Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel Home Inspiration by Ramiza. तो आज की जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है एप्पल पाई. एप्पल पाई बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से बनता है, इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, मगर मैंने जो आज तरीका इसका बनाया है वो कुछ इस तरह से है. इसमें मैंने लिया है ऑल पर्पस फ्लावर, जो कि है, जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन है वो इसमें आती रहेगी, और मैं सिर्फ इसका तरीकाकार बता रही हूँ. तो इसके अंदर मैंने ऐड किया नमक, और नमक के साथ मैंने इसमें ऐड किया है बटर. उसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करना है हाथों की मदद से, आप किसी स्पैचुला वगैरह से भी कर सकते हैं. वो ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है एक एग योक विदाउट एग वाइट, और इसके बाद इसमें इतना पानी, चिल्ड वाटर होना चाहिए, और वो इतना पानी ऐड करना है कि जितना जिससे ये गुन जाए अच्छे तरीके से. इसको नीट कर लेने के बाद इसको किसी भी चीज़ से कवर करके आप फ्रिज में रख दीजिए तकरीबन 30 मिनट्स के लिए. और इसके साथ हम लेंगे किसी भी किस्म के एप्पल, कोई भी एप्पल आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लीजिए. उसको पतले पतले स्लाइसिस में काटना है, जितना आप मोटा चाहते हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से. और इसके अंदर आपने ऐड करना है लेमन. मैंने एक पूरा लेमन जो है वो इसमें ऐड किया. अगर आपके पास रेडीमेड लेमन जूस अवेलेबल है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून. इसके बाद एक पैन में जो है वो मैंने ले लिया है शुगर. शुगर के अंदर हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून. इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगी, और इसको इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ज़रा ये गाढ़ा हो जाए. अच्छा, एक टिप इसके अंदर ये है कि अगर आपके पास जागरी यानी कि ब्राउन शुगर जो है वो मौजूद है, तो वो अगर आप इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे तो उसका टेस्ट, उसकी स्मेल, सब चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं. प्लस इसका जो कलर होता है वो भी बहुत अच्छा निकल के आता है. तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो अलहदा से ब्राउन शुगर जो है वो भी ऐड की है, तो इसका कलर जो है वो कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा. बहुत खूबसूरत सा ब्राउन कलर है. अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बटर, और बटर जो है वो उसकी भी जो क्वांटिटी है वो मैं इसमें मेंशन कर दिया मैंने, आप उसके अकॉर्डिंग उसको मिक्स कर सकते हैं. इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद एक पैन लेना है जिसमें आप बेक करेंगे इसको, तो वो बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो. तो उसके अंदर डाल लेने के बाद इसके अंदर जितने भी एप्पल के स्लाइसेस हैं वो राउंड में या जिस भी स्टाइल में आप डालना चाहते हैं आप उस स्टाइल से डाल लीजिए इसको, जिस तरह मैं सेट कर रही हूँ उसको. इसको अच्छे तरीके से सेट करना है. सेट करने के बाद इसमें जो है वो हमने जो डो रखी थी फ्रिज में, हम उसको निकालेंगे और उसको जो है वो अच्छे तरीके से थोड़ा सा मैदा डालकर, खुश्क मैदा, और उसको जो है हम बेल लेंगे. बहुत ज़्यादा पतली रोटी नहीं बनानी है, थोड़ी मोटी ही रखनी है. वो करने के बाद पैन के साइज़ का इसको काट लेना है, काट के इसके अंदर फिक्स करना है. फोर्क की मदद से इसमें थोड़े से सुराख करने हैं, और इट इज़ गुड टू गो नाउ. इसको मैं प्री हीटेड ओवन में जो है वो रख दूँगी. तकरीबन 30 से 35 मिनट्स इसको लगते हैं. ये अच्छे तरीके से जब ऊपर से हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इट्स मीन इट्स रेडी, एंड इट टर्न्स आउट रियली गुड. इट इज़ वेरी डिलीशियस. यू मस्ट ट्राई इट एंड लेट मी नो कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी. एंड आई एम श्योर आपके घर में बच्चों से लेकर बड़े तक सब इसको पसंद करेंगे. सो इट्स अ वेरी डिलीशियस डिश एंड यू मस्ट ट्राई इट. एंड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. शुरू में पहले एक वीडियो उसकी लगाना, ये उसके बाद जो है ना